पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, थाना मुगलपुरा क्षेत्र में एक पीस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें सभी थाना क्षेत्र के जो मुअज्जिज लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको बुलाया गया था और उनसे चर्चा हुई कि जिस तरह से पिछली बार कुछ माहौल ख़राब हुआ था, भविष्य में ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छी माहौल में बात हुई है, सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले दिनों में भी सब अच्छा रहेगा। हम लोग अलर्ट में रहेंगे, लेकिन लोगों का सहयोग लेने के लिए हमने उनका आह्वान किया था, उसी के संबंध में मीटिंग लगी। सर, क्या पिछले जिले को क्या किसी तरह की कोई खामियां रही थी, जो इस तरीके का? नहीं, उसको खामियां नहीं कह सकते, हमारी तैयारी पूरी थी, हमारा डिप्लॉयमेंट भी पूरा था और उसी तैयारी का परिणाम था कि कोई माहौल बिगड़ नहीं पाया और स्थितियाँ आसानी से कंट्रोल हो गई। तो लेकिन कुछ लोग थे जिन जो किसी के या तो बहकावे में आ गया, किसी अन्य कारण से उन्होंने जो हंगामा किया था, वो भी स्थितियां न उत्पन्न हो उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। क्या मीटिंग रही है और किस विषय को लेकर आज की बात? अभी आपने देखा पिछले दिनों 10 तारीख को जो जुम्मा की नमाज थी, उसमें एक इशू खड़ा हुआ था, लोग जुलूस वगैरह लेकर के बच्चे निकल पड़े थे, छोटे बच्चे थे, 20-22 साल के बच्चे थे। अभी 17 को हमारा नेक्स्ट जुम्मा आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, तो उसी के मद्देनजर ये बैठक हमने बुलाई थी और जितने भी संभ्रांत मस्जिद लोग थे उन सबको बिठाया था कि उसी के लिए बैठा था। क्या सर, प्रशासन में अभी भी किसी तरह की क्या खौफ है कि अगले जुम्मे को किसी कुछ इस तरह की कोई घटना? नहीं, अभी कोई इस तरह का कोई खौफ नहीं है और ना ही किसी संगठन ने बुला रखा है, सिर्फ सावधानी या प्रिकॉशन के तौर पे हमने एक मीटिंग बुला रखी थी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहना है, क्योंकि पिछले जो जुम्मे पर भी इसी तरीके की बातें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ, क्या लग रहा है? वो दुखद था, पिछली बार की जो बातें आई थी वो दुखद था, इस बार बहुत अच्छे लोग आए थे, मदरसे के भी लोग आए थे, हमारे नायब इमाम साहब भी थे और इन सबको मैंने कहा है कि आप जुम्मे की नमाज में आप हमारे साथ चौराहे पर बैठे, उनको समझावें जैसे कि वो जुलूस ना निकाल सकें और इनका सक्रिय सहयोग रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।